पोहरी विधानसभा 24 के कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा ने नामांकन फॉर्म जमा किया। कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा ने आज नामांकन फॉर्म जमा किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कैलाश कुशवाहा ने आज अनुविभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां कैलाश कुशवाहा ने SDM शिवदयाल धाकड़ के समक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म जमा किया। कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार पिछले 18 सालों में किया गया है, उस भ्रष्टाचार से जनता को मुक्त करना है। प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा ने कहा कि चुनाव में नहीं लड़ रहा, बल्कि पोहरी की जनता चुनाव लड़ रही है। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो क्षेत्र में अमन और शांति बनाने का काम करूँगा, और जो कांग्रेस आलाकमान ने मुझ पर अपना विश्वास आया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो कैलाश कुशवाहा जी, आज आपने नामांकन फॉर्म भर दिया, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लड़ने की? तो वो आज हमारा नामांकन फॉर्म भर चुका है और क्षेत्र की पूरी जनता के साथ भरा है। अब आगे की रणनीति आज शाम को पूरी बनाएंगे और आगे की प्रक्रिया चालू। और क्षेत्र में क्या जन समर्थन मिल रहा है आपको? क्षेत्र में जन समर्थन आज आपको दिख गया होगा कि कितना जन समर्थन है। आज सर्व समाज ने जोश भरकर फार्म भरने के लिए आए और पूरी ईमानदारी के साथ आए, न किसी कोई किराए की जनता नहीं साथ में। पोहरी विधानसभा में क्या क्या मुद्दे रहेंगे अगर आप विधायक चुने जाते हो? सबसे बड़ा मुद्दा सरकुलर डैम का है, जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व मंत्री जी, उन्होंने जो बोला था कि सर्कुलर डैम नहीं बनेगा जब तक मैं क्षेत्र में वोट मांगने नहीं आऊँगा। मैं वादा करता हूँ जनता से, मैं विधायक बनकर सबसे पहले उसी को पूरा करेंगे। इसके बाद मूलभूत समस्याएं और जो क्षेत्र में भ्रष्टाचार चल रहा है उसको खत्म करना मेरा मूल उद्देश्य। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में क्या है आपकी विधानसभा में, क्या रहेगा आपका? देखो, शिक्षा स्वास्थ्य ये मेन है, ये हर घर में ज़रूरत है। अब आप बताओ, यही मूल समस्या बड़ी है। कई जगह तो स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच रहे, और कई स्कूलों में सिर्फ साइन करने जाते हैं शिक्षक। तो ऐसी जो मूल समस्या है वो पहले प्राथमिकता उन्हीं को देना है।